हेलो गाइज एंड वेलकम टू अवर चैनल। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो और बात करते टाइम गाइज अगर आपका जो बात है अगर वो कोई थर्ड पार्टी यानी कि गाइज आप जिससे बात कर रहे हो उसके अलावा भी गाइज कोई और आपके जो है कॉल को जो है सुन रहा है, अगर गाइज आपके कॉल जो है फॉरवर्डिंग हो रही है अगर, तो आप जो है इस चीज़ को किस तरीके से आप बंद कर सकते हो मैं जो है इस वीडियो में गाइज आपको बताऊंगा। तो गाइज अब मैं जो है आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इससे गाइज इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो गाइज अगर इस चीज़ को अगर आप बंद करना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग को अगर आप जो है बंद करना चाहते हो, तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉल पैड के अंदर गाइज जाना होगा। तो गाइज हम जो है इस तरीके से अपने कॉल पैड के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से गाइज कॉल पैड के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर गाइज अब मैं जो है आपको एक कोड बताऊंगा, वो कोड आपको यहाँ पर डायल करना होगा गाइज। तो गाइज वो कोड है ##002#। इस तरीके से गाइज इस कोड को इस तरीके से लिख लेने के बाद जिस भी नंबर पे जो है जिस भी नंबर से आपको जो है कॉल फॉरवर्डिंग हो रही है उस नंबर से जो है आपको जो है इस कोड को डायल कर देना है। इस कोड को जो है गाइज आप जैसे ही अपने फ़ोन के अंदर डायल करोगे ये जो है गाइज इस तरीके से डायल होगी, और गाइज डायल हो जाने के बाद तो गाइज यहाँ पर अब आप देख सकते हो जैसे ही आप इस कोड को डायल करोगे यहाँ पर जो है डायल करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ मैसेज आएगा, कॉल फॉरवर्डिंग इरेजर वाज सक्सेसफुली। इसका गाइज मतलब ये है कि जो आपके फ़ोन में जो है कॉल फॉरवर्डिंग हो रही थी वो मिट चुकी है, हट चुकी है, और ये जो है गाइज सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुकी है ये प्रोसेसिंग। तो कुछ इसी तरीके से गाइज आप जो है इस कोड को डायल करके आप अपने जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर से कॉल फॉरवर्डिंग को आप कुछ इसी तरीके से गाइज आप बंद कर सकते हो। तो सो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे।